आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है धान की एक खास किस्म से। पिछले 45 सालों से पंजाब ने धान के उत्पादन में बहुत प्रगति की। नई तकनीक और उच्च उपज वाले बीजों के इस्तेमाल के कारण पंजाब में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा है। CR धान 807 धान की किस्म को ICAR यानी राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की इकाई केंद्रीय बारानी उच्च भूमि धान अनुसंधान स्टेशन हजारीबाग झारखंड द्वारा विकसित किया गया। ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के सिंचित क्षेत्रों में लगाया जाता है। इसे खरीफ और रबी दोनों मौसम में और ज्यादा और कम उर्वरता वाली जमीन में भी खेती के लिए उपयुक्त पाया गया। ये किस्म अर्ध बोनी है। इसका पौधा सीधे बढ़ता है और ज्यादा बारिश या तूफान में गिरता नहीं है। इसकी बाली की लंबाई 23 सेंटीमीटर तक होती है। सिया धान 807 सीधे बीज बोने के लिए उपयुक्त एक शाकनाशी और सूखा सहनशील धान की किस्म है। ये किस्म भारत में जारी की गई पहली गैर GMO शाकनाशी सहनशील और गैर बासमती चावल की किस्म है। ये किस्म धान की खेती की लागत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करता है। बारिश आधारित प्रारंभिक सीधी बीज बोने की स्थितियों के लिए उपयुक्त सूखा सहनशील जलवायु लचीला किस्म है। इसकी फसल 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के लिए ये अधिसूचित है। ये ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट और शीत रॉट जैसी प्रमुख बीमारियों के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।